फ्लाइट में मथुरा जा रही थी, तो फ्लाइट में पढ़ रही थी। फर्स्ट 2-3 स्टोरीज पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट, एंड इट्स वेरी रीडेबल, इमीडिएटली कोई भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या कभी बहुत थोड़ा पढ़ने के बाद बोर हो जाते हैं। शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, so and to the point, and then all the stories, everything is really wonderful. I liked first 2-3 stories I read. आगे भी मैं जरूर पढ़ूंगी। पूरा नारी शक्ति के ऊपर लिखा है, and I am sure this is going to inspire the women. नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। आजकल वो जो कलर्स में भी एक आता है कोड, very nice. I mean it's a real thing what's happening the show. और नारी शक्ति की बात करते हैं तो मैंने तो बहुत सारे डांस बैलेस किए हैं, जैसा अभी नीता हमेशा मेरा प्रोग्राम का एंकर करती हैं, बहुत सुंदर बात करती हैं, इतनी अच्छी बड़ा चढ़ा के बोल देती हैं कि मैं परेशान। आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम संगीता ऑल्सो फॉर सम ऑफ द राइट अप, समटाइम्स आई हैव टू गिव अ स्पीच, ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ उसका कुछ जिस्ट लेकर। इट्स वेरी नाइस द वे शी राइट्स। जितने भी डांस बैलेस की हैं वो सब, मीरा, दुर्गा, ये आपने सुना, ये सब द्रौपदी, दैट इज़ वन ऑफ माय वेरी फेवरेट बैले, जिसमें बहुत सुंदर हमारे रविंद्र जैन दादा ने लिखा है। और उसके ऊपर मैं, मेरी दोनों बेटियां, तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव 2 डॉटर्स, केशा एंड अहाना, जिनके साथ मिलकर एक नृत्य स्टेज पर एक कलाकार होने के नाते मैंने मेरे बच्चियों को भी डांस सिखाया, क्लासिकल डांस, दोनों ओडिसी डांस सीखा उन्होंने, और तीनों मिलकर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किया है, जिसका शी नोज इट, शी इज कंपेयर्ड द होल शोज। उसमें एक आइटम है जिस इज कॉल्ड नारी, क्योंकि जब हम आजकल यही ज़्यादा सुनते हैं भ्रूण, तो मैंने हमारे रविंद्र जैन दादा जो हमारे नृत्य डांस बैले में लिखते हैं उनसे कहा, तो उन्होंने, वो तो बहुत सुंदर लिखते हैं, आप सब जानते हैं, तो उसका उनका लिखा हुआ कुछ है, तो मैं नारी हूँ, सृष्टि का अनुपम रूप, मैं परंपराओं की जननी भी हूँ तथा उनका निर्वाह करने वाली भी, संसार मुझ पर मोहित है तो इतिहास गर्वित, मुझ में जीवित है वो सब नारियां जो अपने आदर्श चरित्र यहाँ स्थापित करके गई हैं। मैं भी मुझी पर है, मैं नारी हूँ। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारी के सम्मान करते हैं भगवान भी खुश होते हैं। मैं हर जगह, मैं मथुरा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात करना पड़ता है, लेकिन अभी इस वक्त इतना नहीं है। लेकिन देन आगे इसमें है कि जब भ्रूण हत्या होती है आजकल, पहले ज़माने में मेरे ख्याल में कभी नहीं हुआ था, नारी के हमेशा सम्मान करते रहे। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पिछले आई थिंक द लास्ट 30-40 years, this has happened, this is happening. औरतें सास कहती है कि पोती आनी चाहिए। हाँ, this is especially औरतें अपने आप गलत काम कर रही हैं, जो जोर लगाते हैं बहुओं पे, तो this is what we see on television and it's actually happening. तो इस सभ्य समाज में अब तक भी कन्याओं की हत्या होती है, जिसकी हत्या की क्या पता आगे चलकर वो क्या होती है, इस बच्चियां क्या बोलेंगी अपने माँ बाप से। हम उन माता पिता के हम हैं ऋणी, दुनिया में हमें ले आए हैं, विद्या संस्कृति संस्कारों के गहने हमको पहनाए हैं, ज्ञान विज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति सामाजिक व्यवस्था ग्रह नक्षत्रों के रहस्य, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। यदि देखना चाहते हो नारी के उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को। Yeah, this is what is, everybody loves it. I think this is very inspiring for women empowerment. इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. मैं मेरे क्षेत्र में और हर जगह जहाँ पर मैं भाषण देना पड़ता है, तो काफ़ी कुछ स्टडी किया है कि विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या होना चाहिए. लेकिन बाद में एक और सेशन रखेंगे हम सब महिलाओं